हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, दोपहर का 12:30 बज चुका है और आज का जो ब्लॉग है काफी लेट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज संडे है तो लेट से सो के उठे, ड्यूटी तो जाना है ही नहीं मैडम जी को भी, तो नहाने धोने नाश्ता वगैरह करने में काफी डिले हो गया और अभी हम लोग घर से निकले हैं, जा रहे हैं सरैया हाट। न सरैया हाट दुमका जिला में पड़ जाता है, ये गोड्डा में नहीं पड़ता है, दुमका में। तो पोड़ैया हाट सरैया हाट मतलब एक जैसा नाम सुनने में लगता है। गोड्डा में, हाँ पोड़ैया हाट गोड्डा जिला में है ना, और सरैया हाट जो है वो दुमका में है। तो हम लोग को जाना है हसडीहा, हसडीहा से कुछ किलोमीटर और आगे ना, क्योंकि वहाँ पर एक मित्र है उनसे मिलना है और अभी हम लोग गोड्डा पहुँचने वाले हैं। घर से निकले हुए हम लोग को हो गया आधा घंटा तो हो ही गया है न। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या कैसे कुछ रहता है। तो मुलाकात होती है कि नहीं? हाँ, मित्र से मुलाकात होती है कि नहीं? आजकल हम लोग का सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। हम लोग का ब्लॉग में भी 100 व्यूज बहुत मुश्किल, 100 व्यूज आ गए तो हम लोग अपने आप को धन्य मान लेते हैं। धन्य मान लेते हैं कि आज 100 व्यूज आ गया। पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्यों सब हम लोग से रूठे हुए है। लोगों के चैनल ग्रो करते हैं, 100 से 200 में जाते हैं, हम लोग 1000 से 500 में आए, 500 से फिर 100 में आए, 100 से फिर 50 में आ गए। 50 भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जिस दिन 100 व्यू आ जाता है उस दिन हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा धन्य समझते हैं। धन्य समझते हैं। कोई नहीं, जो है ठीक है, अब जैसा है भाई। कभी तो हमारा भी किस्मत खुलेगा। कहते हैं हम गीता पर विश्वास करते हैं, गीता सारे है ना, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, है ना। तभी अगर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है हमारे अनुसार, जो नियति को पसंद है वो तो हो ही रहा है, अभी अच्छा नहीं हो रहा तो हो सकता आने वाला समय में हमारे साथ अच्छा होगा, अवश्य होगा, क्योंकि हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है न बुरा सोचा है, तो लोग हमारे बारे में भी अच्छा ही सोचेंगे। दूसरी चीज है ना, हम लोग का चैनल ग्रो नहीं होने का वजह कि हम लोग साफ सुथरी भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई दिखाते हैं ना, बहुत ज्यादा अपना गरीबी लाचारी मजबूरी दिखाने का क्या मतलब है? ये नहीं दिखाते हैं, ठीक है, मतलब लोगों जो है, हाँ जो है बस वही दिखाते हैं, जिसके चलते हाँ हम सा इंसान है, कोई विशेष है नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, ऐसा हो सकता है, होता होगा। नहीं देखिए, आप अभी जैसे यूट्यूब चैनल में ट्रेंड चला हुआ, जैसे हमने नोटिस किया है, गरीबी दिखाओ, लाचारी दिखाओ, सहानुभूति लो, है ना, ठीक है, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, घर नहीं है, द्वार नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो सब चीज जिसके पास है वो भी दिखा रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। देखिए एक बात है ना, ऐसा नहीं है कि धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सबको संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा या उनके जीवन में मुश्किलें नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे मुश्किलें हर किसी के जीवन में, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मुश्किलों को दिखाकर हम व्यूज बटोरे। सही बात है, ठीक है, आपका कोई पर्सनल अनुभव है तो उसको आप शेयर कीजिए, उससे कैसे निकला जा सकता है, ये बात हो सकता है, क्या दिखाएंगे, मतलब कपड़ा का घर हमारे पास भी है और उसी घर में रहते हैं, बस बात बाकी घर अंदर दिखाते नहीं है कि मेरे पास कपड़ा का घर है, और घर अंदर से पता नहीं चलता कि कपड़े का घर है, तो क्या करें, व्यूज बटोरने के लिए पानी टपकता हुआ घर में रहे, ये भी बात है। नहीं नहीं, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये लगती है ना कि पहले 1000 व्यूज आते थे, ठीक है, क्या? तो 1000 व्यूज से फिर 700-500 में चलो ठीक है, कोई उतना सा है नहीं, अप डाउन थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद 200 में 100 में आ गया, अब तो एकदम 49-50 में आ गया है, मुश्किल बोले तो 100 में भी मुश्किल है। तो एक होता है ना कि काम करने का मन इच्छा बहुत डगमगा जाता है, हौसला डगमगा जाता है, फिर भी ठीक है, लोगों को जैसा लगे, हमारा तो ये काम है, हम तो करेंगे, हाँ अपना काम करते रहना चाहिए, ये काम है हम करेंगे, अभी इसके ऐसा नहीं कि व्यूज नहीं आते हैं तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए। देखिए बात ये है ना कि लोग सोचते हैं कि चलो इनके पास जॉब्स हैं, पैसे हैं, कमी नहीं है, वो एक अलग चीज है, हाँ ये भी मानते हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं है लेकिन गरीब भी नहीं है, सब कुछ ठीक है,
पर काम करना किसे अच्छा नहीं लगता है, और काम करना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए, है कि नहीं? सीधी सी बात है। अगर यही लोग सोचे हैं कि हमारे पास कुछ कम नहीं, मेरे पास सब कुछ, तो अंबानी क्यों काम करेगा? अंबानी क्यों मेहनत करेगा? क्यों नहीं फैक्ट्री लगाएगा? क्यों काम करेगा? सीधी सी बात है। और देखिए ऐसा नहीं है कि दुनिया ही रुक जाएगा, सब जिसके पास सब कुछ है अगर कुछ नहीं करने लगे तो दुनिया एकदम सहम सा ठार सा जाएगा, है कि नहीं? एक चीज हम देखते हैं ब्लॉग वीडियो में, लोग आज हमने पत्ता पोड़ा रोटी बनाया। अच्छा, अरे ब्लॉग बना रहे हैं, मतलब ब्लॉग बना रहे थे, ऐसा थोड़ा है कि खाली बातों ने बात कुछ के खत्म कर दिया। कुछ उसमें इम्प्रेशन भी होना चाहिए, कुछ इम्प्रेशन होना चाहिए, कुछ सीख होना चाहिए, है ना? एक कॉल आ रहा है, पहले बात कर लेते हैं ना। देखिए ना, इसी मोबाइल पर आ रहा है। कितना बजे हम लोग लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किए थे जी? साढ़े बारह बजे किए थे, अभी डेढ़ बज गया। ये देखिए इतने टाइम पर, इतना ही टाइम, एक घंटा हो गया ना। अभी तो रास्ता ठीक दिख रहा है आगे, इधर जो हम लोग पीछे रास्ता छोड़ दिए बहुत ज्यादा खराब था, ढबुर 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 ढबुर, मतलब 30-35-40 का स्पीड से ज्यादा नहीं चल पा रहे थे। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, और कितना देर लगेगा? हमको लगता है 20 मिनट तो लग ही जाएगा ना। दूर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन रास्ता बहुत खराब है जिसके चलते समय लग जा रहा है। मैडम जी बोल रही थी कि अगल बगल दिखाइए गेहूं कितना अच्छा है, अब निकल भी गए, गेहूं बहुत अच्छा था, दिखा भी नहीं पाए, बहुत अच्छा था गेहूं, है कि नहीं? कब अहेड अब हम लोग पहुंच जाएंगे? फर्स्ट ईयर तो यहां है सामने में ना, तो फर्स्ट ईयर बाद ना सरैया हाट, के बाद है सरैया हाट। दुमका 39, देवघर 47, जसीडी 54, भागलपुर 72। अरे यहाँ से दुमका तो नजदीक ही लग रहा है, 40 किलोमीटर, तो यहाँ तक। अच्छा, जाते वक्त एग्जैक्ट किलोमीटर मापते हैं कि कितना दूर पड़ेगा ना, तो दुमका भी जाया जा सकता है कंटेंट के लिए। ये है हसडीहा ना, और यहाँ पर मिलता है देसी घी का सोन पापड़ी, तो जिनके यहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी एक बच्ची है, तो यहाँ ले लेते हैं कुछ सोन पापड़ी, आगे इधर कहीं पर खड़ी करते हैं गाड़ी को। अरे इतना ही ऑटो टेम्पो, पैदल जाना पड़ेगा लगता है, तुम कार में ही रहेंगे। हाँ तो भी चलेंगे क्या बोलेगा? चलेंगे तो का दिक्कत है, चलेंगे। हाँ तो का, ये बसंत वाला मौसम हमको लगता है कि वर्ल्ड का सबसे बढ़िया मौसम है। तो पूरे वर्ल्ड में बसंत नहीं आता है जो, मतलब कहने का बोल रहे हैं हमारे भारत की सबसे बेस्ट जो मौसम है वो बसंत है, वसंत का मौसम है वो, इसलिए न गर्मी पड़ता है न ठंडा पड़ता है, मतलब मिक्स रहता है, और पूरा वातावरण एकदम तरह तरह के फूल से खुशबूदार एकदम। हाँ, तो शहर टाउन में मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है, जैसे आम का मंजर, आप आम के पेड़ के नीचे से शाम को गुजरो ना, तो उसकी जो मादक महक है ना, अजीब सा सुकून और फील देता है। और जब मॉर्निंग होते रहता है ना, हाँ उस समय भी, हाँ, जब पाव फटते रहता है उस समय। और तो और एक और चीज बताते हैं, इधर तो बहुत कम है, हमारे यहाँ महुआ का पेड़ होता है, महुआ का पेड़ में जो लगता है ना कोपला, जो खोंच हम बोलते हैं उसको, जिससे महुआ का फूल निकलता है, जिस समय कली जो नया लगता है ना, मादक उसका सुगंध आता है ना, मतलब आप खींचे चले जाओगे उसके तरफ, उस तरह से। हाँ पहुंच गए हम लोग सरैया हाट, वो तो दिन में भी महुआ वाला है ना, वो तो दिन में भी मतलब उसका रहता है सुगंध फैला हुआ, मीठा अजीब तरह का एकदम, मधुसी छा जाएगा पूरा एकदम, पूरा पर्यावरण वातावरण परिवेश में ही उस तरह का घुला हुआ रहता है। हम लोग की तरफ यहाँ महुआ आम, और ये देखिए ना आम में कितना ज्यादा मंजर है, बाप रे इतना फल लगेगा तो साला डाली टूट के गिर जाएगा ना, से लदेगा। उसके बाद लेपदास लदेगा।
यही सब हम लोग दिखाते हैं, लगता है इसलिए कोई नहीं देखता कि आम मंजर क्या दिखाता है। अरे और क्या प्रकृति के बारे में बात कर रहा है, मादक मधुर मंत्रमुग्ध ये सब चीजें हाँ बताते तो, हैं इसलिए शायद लोग जो है देखना तो चाय भी तो पिलाते हैं लोगों को, चाय भी तो आइए कभी चाय पी लेंगे। हाई स्कूल सरैया हाट, हाँ वही राजेंद्र कुमार आर के हाई स्कूल। हाँ, और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ, ठीक है। अच्छा, इधर में कहीं उनका रूम है तो उनको कॉल करते हैं, क्योंकि जिस मोबाइल से कॉल करेंगे वही मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है। ये मंदिर जो है ना, मंदिर के इस तरफ कहीं बाएं में वो रहते हैं, तो एक बार कॉल कर लेते हैं। इधर में ही कहीं रहते हैं, एक बार कॉल करते हैं। फाइनली सरैया हाट पहुंच गए हैं, पहुंच के आ गए हैं। काफ़ी देर हो चुका है, हम लोग यहाँ बातचीत कर चुके हैं। और ये सरैया हाट के अंदर में जो हॉस्पिटल है, क्या स्कूल है ना, मिडिल स्कूल है, उसके पास में यहाँ पर हाट बाज़ार लगता है। इधर में आ गए हैं और भैया जी हैं, इनसे मिलने आए थे, नेल्सन जी से मिलने आए थे तो मिले हैं। और ये बाबू का है, क्या नाम है बाबू बताओ? शिवम। शिवम नाम है। और तुम्हारा इधर आ? सोहम। सोहम, ये सोहम है। और इनसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा। और जब से इधर में मैडम जी की ड्यूटी लगी है तो लोगों के साथ में कनेक्शन जो है ना एकदम बंद सा हो गया है, तो जब कभी लंबे समय के बाद लोगों से मिलते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, है कि नहीं? तो अभी हम लोग इस कार की जो है ना एक ओनरशिप रिव्यू करने के लिए गए हुए थे और रिव्यू भी कंप्लीट हो गया है। मनोज जी की कार थी और अभी आ गए हैं तो इनके यहाँ चलते हैं। इनका जो घर है थोड़ा सा दूर में है। स्कूल का नाम बताओ? मॉन्टेसरी स्कूल। अच्छा, 5 क्लास में पढ़ते हो। अभी तो एग्जाम्स आने वाले होंगे ना? एग्जाम खत्म हो गया। खत्म हो गया? अभी तो डीएवी में चालू भी नहीं हुआ है। अच्छा, सभी स्कूलों के अलग अलग सेशन रहते हैं, है कि नहीं? इसका चालू है, इसका चल रहा है। अच्छा, तो अभी रिजल्ट नहीं आया है ना? चलो, मन लगा के पढ़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए अभी चलते हैं नेल्सन जी के घर में और मैडम जी को वहाँ छोड़ रखे हैं, उनको इनकी मैडम जी के साथ में छोड़ रखे हैं, बोर हो रही होंगी। तो चलिए पहले चलते हैं उनसे, अभी मिलवाते हैं मैडम जी से भी मिलवाते हैं क्या। इनकी मैडम है, स्वास्थ्य विभाग में है। और हम लोग को फाइनली यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है। देख सकते हैं कि शाम भी ढल गया और अंधेरा घिरने वाला है। निकले नेल्सन जी, मैडम जी बच्चे लोग फिर कभी आते हैं, ठीक है? तो ठीक, अच्छा, इनका बच्चा बहुत बदमाश है, बाय करो। तो इधर इधर बेटा, इधर इधर इधर, बाय कर दो बेटा। अरे उनको अंकल जी को कर रहा, हम लोग को नहीं कर रहा। जिसे जान पहचान उसी का, कोई बात नहीं, किन्हीं को तो कर रहा है कि नहीं? ठीक है। तो पत्थरगामा नहीं पार किए? अच्छा, तुम लोग का बस रे इसी में जाती है? अच्छा, इसमें मंजू जाती है नहीं? पप्पू एक, हाँ पप्पू एक 6 बजे गई, ये दूसरी वाली है। आशीर्वाद दूध गई, दूध में 3 पुलिस वाला ट्रॉली जाने देने टेढ़ा लगा देता है स्पीड को कम कर। हाँ, स्पीड को कम करने के लिए, या कोई ऐसा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मंदिर है या कोई स्कूल है तो उस तरह में। कितना लाइट लगा लिया है, बाप रे, ट्रक है, ट्रक, बाप रे, खराबी रहता है, जानते हैं ना, इसी तरह से लोग दुर्घटना करा देता है। और देखिए तो आ रहा इंद्र ले, घर समझदार था, लोग बंद कर दिए, बहुत कम देखे इसको लोग, ऐसे ही इसलिए तो हम भी कर दिए। 7:28 हो गया है और लगता है हम लोग मोहनपुर पहुंच गए ना? नहीं, थोड़ा लेट है, थोड़ा सा लेट है ना, पता नहीं चला। कौन बथान है? हाँ, कोई बथान है ना, महादेव बथान।
महागामा और गोड्डा के बीच में महादेव बथान, तो यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। और नाइट ड्राइविंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आता है, आगे से आ रही गाड़ियों की लाइट, आप न चाहते हुए भी उनकी हाई बीम पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं लिटरली रास्ते में, ये देखिए इनको, हाँ ये वाले कर दिए, एक साइड वाला किया, नहीं नहीं दोनों साइड किया है, एक और आ रही, ये देखिए इनको डिपर दिए, कोई प्रभाव नहीं। और आगे दिखाते हैं आप लोग को इस तरह का सिचुएशन, कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। मैं ऑलरेडी लो बीम में चल रहा हूँ, अब कोई फोर व्हीलर वाला वैसे आवे तब ना, मोटरसाइकिल वाला लोग को तो उतना नहीं है, मतलब भी नहीं है, उन लोग जल्दी नहीं करता है, लेकिन एक्चुअल में जो फोर व्हीलर वाले हैं, बड़ी गाड़ियां जो है उनसे मैं देखना चाहता हूं कि वो लो बीम करते हैं कि नहीं। यहां देखिए कुछ गाड़ियां आ रही हैं, मैंने दो बार जो है डिपर दिया, किसी ने भी लो बीम नहीं किया। हाँ हमको लगता है क्या, मोटरसाइकिल वाला को तो पता ही नहीं कि हमारा ये फीचर भी है। बाइक में भी ये फीचर है कि आप अपनी लाइट को लो कर सकते हैं ना, सच्ची बताते हैं, जानता तो यूज जरूर करता है। हाँ देखिए इतना किए, इनमें से किसी भी गाड़ी ने लो बीम नहीं किया, एक ये फोर व्हीलर है इसने भी नहीं किया, और काना जी सर आगे आ रही है वो भी कोई फोर व्हीलर ही है, देखते हैं, कोई मतलब नहीं, ये ऑटो वाले हैं। इन लोगों को और क्या मतलब रहेगा, इन लोगों को तो अपने आप कुछ हो समझता है ना। और जानते हैं बड़ा गाड़ी जो हाईवा वगैरह रहता है वो लोग कहीं नहीं करता है सब, वो लोग अपना गाड़ी थोड़ा रहता है। हाँ ये देखिए आगे एक गाड़ी आ रही है, काफी तेज उसकी रोशनी है, लो भी मैंने किया, अच्छा वो राइट में घुस गई कार। इसलिए ट्रक वाला सब कभी लो बीम नहीं करता और देखभाल के नहीं चलाता है, समझ गए ना। देखिए हाँ ये किया, समझदार गुजारा ट्रक वाला, क्यों बैठा लोग, कहने का मतलब है ना, लंबी वीडियो हो जाएगी, कहने का मतलब है कि अगर आपने 10 गाड़ी को डिपर दिया, लो बीम करने का मतलब इशारा आपने किया, तो 10 में से एक या दो ही गाड़ी जो है ना लो करती है लाइट्स को, 8 गाड़ियां आपका कोई रिस्पांस नहीं देंगी। ये तो स्थिति है। फाइनली घर पहुंच गया हूं, रात का 8 बज चुका है और कार पार्क कर लिए हैं, और कोमल बार बार फोन करके परेशान हो रही थी और बात ही नहीं कर रही थी, मतलब बहुत गुस्से में लग रही थी, तो उसके लिए लेके आए हैं एग रोल है कि चिकन रोल है, चिकन रोल है, अच्छा लग रहा है, और लग रहा था कि आज नहीं लौटेंगे मम्मी पापा, हमको लग रहा था कि आज आप लोग उसी के घर में रहेंगे, सच्ची इसीलिए तुम बात नहीं कर रही थी फोन में, है ऐसा हो सकता है कि वहीं रह जाएंगे, हम लोग को तो आना ही था, मौसी के घर में खाई है ना, वहाँ भी चिकन खाई है आज ना मौसी घर, हाँ। चिकन और क्या बनाई थी मौसी, दिन में नहीं अभी गए थे 7:30 बजे, चिकन और चावल और रोटी भी बनाई थी, अच्छा चिकन चावल और रोटी। कोमल ही फरमाइश करी थी कि चिकन रोल लेते आ दीजिएगा, तो उसका चिकन रोल लाने के चक्कर में अपने लिए भी बनवा लिए हैं, तो यही खाएंगे और इसी को खा करके आज रात जो है बिताना है, क्योंकि जहाँ गए हुए थे वहाँ मित्र के द्वारा भी शाम का वक्त में उनके यहाँ से खाना खा के निकले हैं। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल में नया आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।